गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी मैं आ चुकी हूँ केमिस्ट में और यहीं से हो रही मेरी ब्लॉग स्टार्ट। तो ये अभी आ रखे हैं वाईफाई लगाने के लिए और अभी शटर का काम भी हो रहा है, क्योंकि ये शटर थोड़ा टाइट है ना, तो इसे खुलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो ये लोग आ रखे हैं, ये लोग इसे ठीक करेंगे। और ये यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा की इंस्टॉलमेंट हो रही है, ये भैया लगाएंगे सीसीटीवी कैमरा। और आज ना केमिस्ट में तीन चार काम एक ही साथ ही हो रहे हैं, तो देखिए कैमरा भी फिट कर दिया उन्होंने। तो डिनर वगैरह हमारा हो गया था, तो अब ये कटहल का एक पीस बचा हुआ था काटने के लिए, तो मैंने सोचा कि इसको काट के फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि ना ये फिर पक जाता है और इसे फिर अगर ये कटा रहेगा तो जल्दी से जल्दी बन जाएगा। लेकिन इसे काटने में इतनी महाभारत करनी पड़ती है। एक तो ये चाकू छोटा है, ऊपर से ना ये अजीब सा हो गया था, बाहर रखा हुआ था तो ये अजीब सा हो गया था, ईजिली कट ही नहीं रहा था। तो अब मैंने सोचा है कि मैं इसको काटने के लिए ना कोई बड़ा सा चाकू लेके आऊँगी, जिससे ये इजीली से कट जाए। तो देख रहे हैं आप, मुझसे कट ही नहीं रहा है आज। कटहल जितना काटने में अन ईजी होता है ना, जितनी मेहनत इसे काटने में लगती है उतनी ही मेहनत इसे बनाने में भी लगती है, अगर आप अच्छे से बनाना चाहते हैं इसको। तो कभी मैं अगर बनाऊंगी तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी इसकी, कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ कटहल, और वो भी सिंपल तरीके से, कोई वो नहीं कि क्या तलना भूनना ये सब। तो मैं कभी बताऊंगी आपको इजी वाला तरीका कि कैसे बनाते हैं कटहल। तो बहुत सारे जतन करने के बाद फाइनली ये कटहल कट ही गया है। और अब मैं छिल रही हूँ आलू, क्योंकि ये आलू भी क्या थे ना, ये रखे हुए थे तो ये ख़राब जैसे हो रहे थे, तो ये मैंने सारे उबाल दिए हैं और इन्हें फ्रिज में रख लूँगी। जब अब सब्जी बनानी होगी तब सब्जी, जब पराठा बनाना होगा तब पराठा बना लेंगे। तो आजकल प्याज आलू बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहता है ना, थोड़े से भी नमी रहे किसी चीज़ में, तो तुरंत फंगस लग जा रही है। तो इस वजह से फिर ये आलू भी मैंने सारे छिल के रख दिए हैं।
तो बस अब ये कूड़ा जाएगा डस्टबिन में। और ये प्रेशर जाएगा सिंक में। और ये आलू छिलके रख दिए हैं फ्रिज में। तक इतना काम किया, दूध भी उबल गया है और ये पतीला भी ठंडा हो गया है, तो इसलिए ये भी जाएगा फ्रिज में। और किचन की भी सफाई हो गई है। तो चलिए फिर चलते हैं रूम में, और रूम में है कपड़े बहुत सारे तय करने के लिए, तो पहले इनको फोल्ड किया जाए, इनको इनकी जगह पे रखा जाए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गर्म कपड़े कहाँ लेके गए थे, हम कहीं गए थे क्या जो हम गर्म कपड़े निकाले हैं आज बाहर? तो ऐसा कुछ नहीं है, हम कहीं नहीं गए थे, घर पे ही थे। ये गर्म कपड़े बाहर रखे हुए थे एक थैले के अंदर, तो वो थैला हम लोगों को चाहिए था, इसलिए वो थैले से खाली हुए हैं। तो अब इनको रखेंगे कहीं दूसरी जगह। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, और यही डेली रूटीन चल रहा है मेरा आजकल। सुबह भी जल्दी जल्दी में होता है काम, शाम को भी जल्दी जल्दी में होता है काम। तो जब तक जॉब नहीं थी तब तक हो रहा था, जॉब नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, अब मिली है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है एडजस्ट करने में, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो है ही। नहीं करेंगे तो फिर सारा भूल जाएंगे, पूरा एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा, हमारी प्रैक्टिस ख़राब हो जाती है अगर नहीं करते हम काम। तो चलिए फिर यही था मेरा आज का ब्लॉग, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।